और अब बात करते हैं बिहार की, जहां मालूम हो कि पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गया विष्णुपद मंदिर में आगमन हुआ था। विष्णुपद मंदिर में अहिंदू का प्रवेश वर्जित है। प्रवेश वर्जित होने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया जिला प्रभारी मंत्री इसराइल मंसूरी के साथ प्रवेश कर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। भाजपा जिलाध्यक्ष धनराज शर्मा ने उक्त अवसर पर लोगों से बात करते हुए कहा कि यह देश सनातन संस्कृति के मानने वालों का है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानबूझकर मुस्लिम बिरादरी के मंत्री को विष्णुपद मंदिर में प्रवेश कराया ताकि हिंदुओं की भावना आहत हो। हम लोग विष्णुपद मंदिर में विष्णु भगवान के चरण को फल्गु मैया के जल से शुद्धिकरण कर पूजा अर्चना किया गया। भगवान विष्णु की स्तुति कर क्षमायाचना किया गया। बिहार में जब से भाजपा को छोड़कर महागठबंधन की सरकार बनाए हैं तब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिमाग सातवें आसमान पर है, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता जिसको चाहती है गद्दी उसी को नसीब होती है। चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात पलटने से जनता भी पलटा देती है। आने वाले समय में गया की जनता हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने की सजा अवश्य देगी। उक्त अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री गोपाल यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में अगर हिम्मत है तो मक्का मदीना में अपने मंत्रिमंडल सहयोगी के साथ है करके दिखा दे। उक्त अवसर पर पूर्व सांसद रामजी मांझी, पूर्व विधायक डॉक्टर श्यामदेव पासवान, पूर्व जिलाध्यक्ष जनेन्द्र कुमार, क्षितिज मोहन सिंह, अनिल कुमार सिंह, हरेराम सिंह, शिव कुमार भैया, दीनानाथ श्याम सिंह और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग गया जिला के हिंदू समाज, गया जिला के सनातन धर्मी और अन्य कई संगठनों के लोगों ने आकर के भगवान विष्णु के चरणों में आकर के विशेष पूजा अर्चना करके और माफी मांगने का काम किया है कि जो कुछ भी गलती हुआ है उसको हम लोग निश्चित रूप से पूजा अर्चना करके उसको भगवान से आराधना करेंगे कि ऐसा गलती दोबारा ना हो। और बहुत बड़ी बात है कि सूबे का मुख्यमंत्री जी ने अपने साथ जो गैर हिंदू समाज के थे उनको ले जा करके और इन्होंने घोर अपराध किया, हिंदू समाज को अपमानित करने का काम किया, सनातन धर्मियों को अपमानित करने का काम किया और भगवान विष्णु के चरणों में निश्चित रूप से शीश झुकाने के लिए लोग देश विदेश से आते हिंदू स्वावलंबी और निश्चित रूप से अपमानित करने का उन्होंने काम किया। शुद्धिकरण का काम कितने दिन तक चलेंगे? हमें भगवान विष्णु का मैं शुद्ध क्या कर सकता हूँ, हम लोग क्या शुद्ध कर सकते हैं? हम लोगों का तो पालनहारा है, रक्षक है, वो तो शुद्ध हम लोगों का करते हैं, बाप तो हम लोगों का वो धोते हैं। मैं तो विशेष पूजा अर्चना करके फल्गु मैया का जल लेकर के मैं उनके चरणों में जल चढ़ा करके और माफी मांगा हूँ। और जो कोई भी लोग चाहे सूबे का मुख्यमंत्री ही हो जिन्होंने इस तरह का कार्य किया है, मैं इतना ही कहता हूँ कि राजनीतिक उनका निश्चित रूप से असफलता की ओर जाएंगे और विनाश काले विपरीत बुद्धि राजनीतिक में उनका विपरीत बुद्धि हो गया है। राजनीतिक में निश्चित रूप से उनका पतन होना अब सुनिश्चित हो गया है। भगवान विष्णु कभी माफ नहीं करेंगे। हम लोगों ने इसे पूजा अर्चना करके और ये आग्रह किया भगवान से, ये विनती किया है कि ऐसा दुशासन चाहे किसी भी राजनीतिक दल का लोगों ना करे भविष्य में। यही मैं भगवान विष्णु से आराधना किया हूँ। इसे पूजा अर्चना मैं भाजपा का बाग में हूँ, मैं सनातन धर्मी हूँ, मैं हिंदू समाज हूँ और मेरा धर्म पर मेरा भगवान विष्णु पर जो अपमानित कितनी करेगा निश्चित रूप से राजनीतिक पतन होना सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से क्या आपने गया में आकर भगवान विष्णु को पवित्र करने का काम जो किया है गैर हिंदू
को प्रवेश कराकर आप में यदि हिम्मत है माइका लाल यदि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पूरे अपने मंत्रिमंडल के साथ मक्का मदीना में जाकर के दर्शन वहां जाकर के दिखा दे, तब मैं समझू कि नीतीश कुमार बिहार में गंगा दहलीज को एक करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री गोपाल यादव।